ब्रॉन्सकल फैमिली वेलकम बैक टू अनदर सब्सक्राइबर्स चैलेंज सीरीज। तो भाई आज हमारा तीसरा चैलेंज है और ये चैलेंज दिया है हमें आर्यन यादव ने। तो ये चैलेंज क्या है? ये चैलेंज है कि एंट्रिंग द रॉयल रंबल ऑन अ फर्स्ट प्लेस एज कोडी रोड्स और उस मैच को जीतना है। और इसमें स्पेशल स्टिपुलेशन है कि पहले दो जो कंपेटिटर्स मैं एलिमिनेट करूँगा वो बिना फिनिशर के करने हैं मुझे एलिमिनेट। तो भाई इसलिए मैंने किसी को फिनिशर नहीं दिए है, जो भी लड़ेंगे सब लड़ेंगे रॉ ही लड़ेंगे, कोई फिनिशर्स के साथ नहीं आएगा। तो भाई आज का मैच जो है वो 30 बंदों का मैच है और हर 30 सेकंड में नया बंदा आ जाएगा। और ये मैच है फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो भाई देखते हैं इन 30 बंदों के बीच में मैं ये चैलेंज पूरा कर पाता हूँ कि नहीं। तो करते हैं अपने मैच को स्टार्ट, लेट्स गो। तो भाई पहले नंबर पे एंटर करना है। इट इज़ रियली हार्ड टू विन द 30 मैन रॉयल रंबल मैच। अभी देखते हैं कौन कौन से सुपरस्टार आते हैं। इसमें मुझे लिटरली कोई सुपरस्टार का नहीं पता, ये सारे ही रैंडम है। मैंने सिर्फ कोडी रोड्स लिया है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता कौन सा पहला सुपरस्टार है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा, आई रियली डोंट नो। तो भाई अब भगवान ही जाने, पिछले दो मैचेस में तो मुझे पता था कौन कौन से सुपरस्टार है क्योंकि वो मैंने खुद रखे थे, अब नहीं मुझे पता कौन कौन है। तो कोडी रोड्स तो आ चुके हैं और कोडी रोड्स का पहला अपोनेंट कौन है? ये कौन है, इसका नाम पता है किसी को? ऑनेस्टली मुझे इसका नाम नहीं पता। इसका नाम है एल्टन प्रिंस। अच्छा, ये जो स्मैकडाउन में दो आते थे, क्या नाम था इनका, प्रिटी डेडली कुछ ऐसा ही नाम था इनका शायद। तो ठीक है, इसको तो मैं जल्दी निकाल ही दूंगा, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। बट बात यह है कि इसको अकेले पर निकालने की बात नहीं है, बात है कि मैं मैच जीत पाऊंगा या नहीं ये देखना पड़ेगा। और 30 बंदों में जीत रहा, इट्स रियली वेरी हार्ड जब AI इतनी खतरनाक हो। इसकी AI बहुत खतरनाक है भाई इस गेम की, आपने देखा ही है जब AI वर्सेस AI होता है क्या होता है। हालांकि AI का ह्यूमन से अरे ये तो आराम से एलिमिनेट हो गया। तो भाई चैलेंज में जो था कि दो सुपरस्टार बिना फिनिशर के एलिमिनेट करने हैं वो एक तो मैंने कर दिया है, अभी एक और करना है, फिर उसके बाद भी फिनिशर्स डाल सकता हूँ अपोनेंट्स को। तो भाई बैड बनी आए हैं, बैड बनी। तो भाई ये सिंगर्स क्यों आने लगे हैं इसमें रेसलिंग में? बोल सिंगर्स का क्या काम है रेसलिंग में? तुम सिंगिंग करो अपनी, रेसलिंग में क्या लेना है तुमको? तो भाई बैड बनी, भाई बैड बनी की हाइट कितनी छोटी है यार, ये बैड बनी की हाइट मुझे लगता है 5'9" 5'10" इतनी का होगी। आपको क्या लगता है कितनी है बैड बनी की हाइट? गूगल से देख के बाद बताना, अपना गैस लगाना कि कितनी का होगी, गूगल से तो पता चल ही जाएगा कितनी हाइट है। बट फिर भी अभी मुझे बैड बनी को एलिमिनेट करना है जैसे तैसे करके, जैसे मर्जी। तो अभी बैड बनी को एलिमिनेट कर दूंगा तो फिर ये हो जाएगा कि मेरी वो स्टिपुलेशन ख़त्म हो जाएगी जो मेरे पे स्टिपुलेशन लगी है। और जेरी द किंग लॉलर आ गए हैं भाई, जेरी द किंग लॉलर है और मैंने दो अपोनेंट एलिमिनेट कर दी है तो वो स्टिपुलेशन ख़त्म होती है। दो अपोनेंट विदाउट एनी सबमिशन, सॉरी विदाउट एनी फिनिशर मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब भाई आगे के अपोनेंट मैं फिनिशर के साथ करूँ जैसे मर्जी करूँ, वो स्टिपुलेशन ख़त्म हो चुकी है। अब मेरे पास पेडिग्री आ चुकी है, सिग्नेचर आ चुका है तो मैं खुला होकर इसको लगा सकता हूँ। वैसे भी सिग्नेचर के लिए तो मना नहीं था, मना था फिनिशर के लिए। तो भाई ये तो बढ़िया हो गया अपने साथ। अभी अगला सुपरस्टार भी आने वाला है, इन एवरी 30 सेकंड्स वी गॉट न्यू सुपरस्टार। और एक्सियम आए हैं NXT से। एक्सियम मुझे लगता है अब WWE में नहीं है शायद, क्या शायद एक्सियम है WWE में? मुझे नहीं लगता शायद एक्सियम अभी WWE के साथ हैं, शायद इनको निकाल दिया गया है बट मुझे कन्फर्म नहीं है, शायद हो शायद ना हो, आई एम नॉट डेडली श्योर, मे बी ही इज़ इन मे बी ही इज़ नॉट। तो अभी कोई बात नहीं, अभी 30 में से सिर्फ 4 सुपरस्टार्स आए हैं, 4 ही आए ना, 5 आ गए हैं, 5 सुपरस्टार आ गए हैं। और अभी तक तुम्हारा भाई टिका हुआ है रिंग में तो भाई आगे भी टिक जाएगा। अभी तगड़े सुपरस्टार्स नहीं इतने आए जिनको देख के डर लगे। ऑस्टिन फ्यूरी आए हैं 6वें नंबर पर और 6 सुपरस्टार आ चुके हैं इंक्लूडिंग मी। तो भाई जिसमें से मैंने ऑलरेडी 3 निकाल दिए हैं, जेरी द किंग लॉलर आई डोंट नो कैसे सर्वाइव कर गया एक्सीडेंट से ज़्यादा, पर जैसे भी सर्वाइव करके ठीक है, ये दो बंदे लड़ रहे हैं मेरे को बीच में लड़ने की क्या जरूरत है। जीतने के रॉयल रंबल में मंत्रा यही है कि अगर दो बंदे लड़ रहे हैं तो उनके बीच में मत जाओ, साइड में रहो, तुम जीत सकते हो फिर। अगर यू माइंड योर ओन बिजनेस यू कैन विन द रॉयल रंबल, सो माइंड योर ओन बिजनेस, आई विल डू टॉन्टिंग टू द ऑडियंस। ऑडियंस को हम एंटरटेन करने आए तो ऑडियंस को एंटरटेन करेंगे भाई। और अगले हैं रिकीशी। आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट कि रिकीशी आएंगे, पर गेम में कुछ भी हो सकता है, इट विल बी अनएक्सपेक्टेड एनीथिंग। सो भाई रिकीशी को टाइम पे निकाल देते हैं, इससे पहले रिकीशी मुझे निकाल दे। रिकीशी अपने टाइम के तगड़े सुपरस्टार थे भाई, अगर आपने रिकीशी को लड़ते हुए नहीं देखा तो भाई यू मिस्ड रियली गुड रेसलर। जो भाई
हैवीवेट होके हाई फ्लायर जैसे मूव्स डिलीवर करते थे। भाई रिकीशी का क्या स्टाइल था लड़ने का, भाई आई एम द वन ऑफ द बिगेस्ट फैन ऑफ रिकीशी। अरे रिकीशी भैया को मैंने थोड़ा जल्दी एलिमिनेट कर दिया, पर रिकीशी इज फायर एट हिज प्राइम भाई। बेशक ये शायद वो बड़ी टाइटल नहीं जीते, बट ये बहुत अच्छे थे। और माइकी आ गए भाई साहब कछुआ गैंग से। इट इज़ गोइंग टू बी लिटल हार्डर फॉर मी, बट कोई बात नहीं, अपने पास पेडिग्री है, पेडिग्री खिला दिए मेरे कुत्ते को। वैसे तो ये कछुआ है तो कोई बात नहीं, कछुए भी खा लेते हैं पेडिग्री, कुत्तों वाली डाइट कछुए भी खाएंगे। अब ये बस एलिमिनेट हो जाना चाहिए। अरे यार ये एलिमिनेट नहीं हुआ, तो अभी देख लो, ये इसने अभी से बता दिया कि मैं इतनी जल्दी जाने वाला नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा लड़ना पड़ेगा माइकी के साथ, माइकी को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, फिर ही माइकी बाहर होगा। और अगला सुपरस्टार भी आने वाला है जो कि नाइन्थ सुपरस्टार, एंड हु इज ट्रेशर। ये ट्रेशर कौन है यार? ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मुझे ट्रेशर के बारे में नहीं पता। ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे सच्ची में नहीं पता कि ट्रेशर है कौन। तो भाई ट्रेशर तेरी भैंस की। अरे यार मैंने उसको निकालना था, तू क्यों बीच में आ गया? अब मुझे वो निकलेगा नहीं अभी 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 यार ये सारा गुड़गो। अरे यार मैंने निकालना था दूसरे तरीके से, ऐसे निकलेगा नहीं। मैं कैंसिल कर दूंगा यार, कैंसिल कर देते हैं, कोई फ़ायदा है नहीं, हो नहीं रहा, इसको कैंसिल ही कर देते हैं। तो नंबर 10 आने वाला है, नंबर 10 कौन है? विल सी इन फ्यू मिनट्स। एंड नंबर 10 इज ब्रे वाइट 20 SNME। SNME का मतलब किसको पता है मुझे बताओ, मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको पता है कि SNME का क्या मतलब है। और ऑस्टिन थ्योरी एलिमिनेट हो चुके हैं भाई, 4 सुपरस्टार एलिमिनेट कर चुका हूँ मैं अब तक इस वर्ल्ड रंबल में। इट इज़ रियली बिग टू डू दोज थिंग्स। मे बी ब्रे वाइट भी एलिमिनेट हो जाए, और ब्रे वाइट भी एलिमिनेट हो चुकी है, तो भाई 5 सुपरस्टार एलिमिनेट कर चुका हूँ मैं रॉयल रंबल में। नेक्स्ट टर्न इज योर माइकी। माइकी तेरे को एलिमिनेट करना है, और ट्रेजर तेरे को भी करना है। तेरी वजह से माइकी बच गया, नहीं तो माइकी से एलिमिनेट था, और ट्रेशर भी गया भाई, ट्रेशर भी गया। तो 6 सुपरस्टार एलिमिनेट कर दिया है, और भाई हिस्ट्री मेकर रे मिस्टीरियो आ चुके हैं भाई इस मैच में। रे मिस्टीरियो भाई ये बहुत खतरनाक बंदा है, ये भाई पहले नंबर पे आया था और रॉयल रंबल जीत के गया था, तो भाई आप देख लो कि कितना खतरनाक बंदा है। हालांकि आते ही मेरे को पड़ा है, मेरे को बस कुछ नहीं करना, मेरे को बस ब्लॉकिंग करनी है और एलिमिनेट करना है बंदे पे बंदे। अगर मैं नहीं एलिमिनेट कर पाया तो भाई मेरे लिए बहुत तगड़ी वाली दिक्कत खड़ी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता वो दिक्कत खड़ी हो। अभी फ़िलहाल मुझे मेरे टारगेट पे माइकी है, और माइकी को जल्दी से जल्दी मैंने निकाला है, क्योंकि ये बंदा ख़तरनाक है, और इतने कोई ख़तरनाक नहीं मुझे लग रहे अभी फ़िलहाल। हल्क होगन आ चुके हैं, एंड हल्क होगन इज़ यू नो व्हाट इज़ हल्क होगन। अरे यार ये फिर से ब्लॉक कर गया। ए माइकी एलिमिनेट होगा कि नहीं? मुझे डर है कि मैं ना एलिमिनेट हो जाऊँ, फ़िलहाल तो मैं बचा हूँ कॉर्नर पे हूँ, बट फिर भी मुझे डर तो यही है। जेरी द किंग लॉलर को एलिमिनेट कर देते हैं, 7 सुपरस्टार एलिमिनेट कर दिए मैंने। तो अभी हमारे पास हल्क होगन भैया भी है जो मेरे को मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अंकल जी आप मुझे नहीं मार पाओगे, आप पेडिग्री खाओ जो कुत्तों के खाने वाली चीज़ है, पर आप खाओ। अरे यार लियोनार्डो कह रहा हूँ, माइकी आवर किंग ऑफ द रिंग लियोनार्डो, पता नहीं इस रॉयल रंबल में। भाई माइकी फाइनली एलिमिनेट, 8 सुपरस्टार, आई डिड इट, The 7 or 8, I don't know, I forgot the counting। तो भाई 7-8 बंदे मैंने एलिमिनेट कर दिए, जितने भी है डी या 8 लगा लो यार तुम लोग। और जैकविन वाइल्ड को मैं करना चाहता था एलिमिनेट, पर ये बुढ़ा अंकल बीच में आ गया है। ये बुढ़ा मेरे में बहुत बोलता है, ये बुढ़े को मैं बताता हूँ अभी, तू नीचे कर बुढ़े। जैकविन वाइल्ड को करना है मुझे एलिमिनेट, और जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी करना चाहूँगा। तो भाई अगला सुपरस्टार भी आने वाला, आई थिंक जैकविन वाइल्ड थे 13वें सुपरस्टार। अरे यार एलिमिनेट हो रहा था बुढ़ा, तू क्या बीच में क्यों आ गया है? अरे अरे भाई हियर कम्स द किंग ऑफ द रिंग लियोनार्डो। भाई साहब द किंग ऑफ द रिंग आ गया, तो एक कछुआ गया था दूसरा आ गया, भाई ये ना हो कि ये जाए तो तीसरा आ जाए। ये दोनों हालत टाइट करने वाली सिचुएशन है, और भाई का यहाँ पे भी विजन खराब है, रॉयल रंबल में भी विजन नहीं चल रहा उसके, मुझे कंप्लीट करने पड़ रहे हैं, और इतनी जल्दी भाई तू साइड पे चला गया किंग ऑफ द रिंग बन के, क्या तो इतनी पार्टी कर ली कि तुम्हारा स्टेमिना लूज हो चुका है। भाई ये वैसे दंगल के क्वार्टर फाइनल में जा चुकी है टीम निंजा टर्टल्स, और अभी माइकी को मैंने निकाला है, लियोनार्डो को अभी निकाल दूंगा। एंजल गार्जा है, एंजल गार्जा के नहीं ज़्यादा टेंशन मुझे, इसको तो मैं निकाल दूंगा। टेंशन है मुझे ये की इसकी, ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है ना ये लियोनार्डो, अगर तुम दोनों लड़ रहे हो तो मेरे को लड़ने की क्या। अरे ये इतनी दूर से टांग कैसे बच गई है? ये थोड़ा ग्लिच है मुझे लगता है, पर ये साउथ की मूवी जैसा सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। पर अभी फ़िलहाल 15 सुपरस्टार आ चुके हैं,
और 15 सुपरस्टार आ गए, 15 सुपरस्टार रह गए और मुझे सिर्फ 15 सुपरस्टार्स तक और सर्वाइव करना है, फिर ये चैलेंज हो जाएगा कंप्लीट, मैच जीत जाऊंगा ये मैच को। अभी 16 सुपरस्टार कौन है? ड्रू मैकइंटायर। भाई साहब इस मोमेंट पे ड्रू मैकइंटायर का आना बनता था, नहीं बनता था, पर क्यों आया है मुझे नहीं पता। मैं बस यहाँ पे डाल के क्रॉस रोड्स जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके ड्रू मैकइंटायर को निकालना चाहूँगा। जितने बड़े बड़े सुपरस्टार आने उन सबको मैं ऐसे ही कोशिश करूँगा निकालने की कि मैं जल्दी जल्दी इनको फिनिश। अरे निकल जा भाई, माइकी रह गया, माइकी, अरे माइकी नहीं सॉरी लियोनार्डो, मैं तो इतना घूम चुका हूँ कौन है मुझे तो नाम ही नहीं बोले आ रहे। और भाई लियोनार्डो क्या तू मुझे घुमा रहा है इधर उधर। अभी लियोनार्डो को निकालने का टाइम आ गया भाई लोग, तो बाय बोल दो सारे लोग लियोनार्डो को, बाय बाय लियोनार्डो चल तेरी भैंस की। तो अभी आरवीडी बुढ़ाओ अंकल, यार यहाँ पे बुढ़ाओ बुढ़ाओ बहुत आ रहे हैं, यंग कम आ रहे हैं, बुढ़ाओ लोग ज़्यादा आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये 17 सुपरस्टार हैं हमारे, लेट मी ट्राई टू, अरे नहीं यार अब ये मेरे को गिराने की कोशिश करेगा, पर इतनी जल्दी नहीं गिरेगा तुम्हारा भाई। अभी 18 सुपरस्टार आने वाला है और 18 सुपरस्टार कौन सा है विल लेट नो। पर ये आरवीडी को मैं अभी 18 से आने से पहले पहले निकाल दूँ तो बढ़िया है, पर ये निकले। अरे लॉक रॉक 01, तो भाई वन ऑफ द इलेक्ट्रिक फाइन मैन इज इन द रॉयल रंबल। पर ये पुराने वाले रॉक है, ये भी बहुत इलेक्ट्रिक फाइन थे भाई, ये वाला तो बहुत ज़्यादा क्योटिक रॉक था, अगर आपने इसको देखा है तो आपको पता है ये रॉक कैसा रॉक था, उसके बाद भी क्योटिक था, पर ये वाला ओजी रॉक है ये। तो भाई ये इन दोनों को लड़ने दो, मैं अपना मैंने क्या बोला है, रॉयल रंबल जीतना है तो माइंड योर ऑन बिजनेस, उनकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है, वो लड़ रहे हैं लड़ने दो, कोई बात नहीं, हमें सिर्फ जीतना है, हमें जितना देर हो सके बचना है इस मैच में, बचना है बस और कुछ नहीं करना, जितना देर में बच पाऊंगा उतना देर अच्छा है। ये ड्यूक हडसन कौन है, वो NXT से होगा मे बी, कोई बात नहीं, ये दोनों को लड़ने दो, हम ड्यूक हडसन को निपटाते हैं यहाँ से। तू लेजेंड्स में क्या कर रहा है भाई, तू चल घर को, हाँ और क्या, लेजेंड्स में ऐसे बंदों को क्या काम है। और भाई रॉक ने रॉक पैटर्न लगा दिया रॉक एंड डैम को, रॉक भैया आप यहाँ तो इनको फेंक दो, अरे तू उसको फेंकने जा रहा था तो फेंक लेता ना, क्या यार नू मैं यार, ये रॉक भैया तुम जाओ घर को जाओ, मुझे रॉक एंड डैम अंकल को निकाल दे दो अंकल, यह और क्या है, शोकर है फाइनली रॉक बैंड सन फ्रैंकलिन रॉलिंस, वो भी 2015 वाला भाई, द आर्किटेक्चर ही था जो भी था, वो वाला सेथ रॉलिंस जिसने शील्ड को धोखा दिया था। तो भाई शील्ड का बदला मैं क्यों लूँ भाई, शील्ड वाले लेंगे मैंने क्यों लेना है, मेरे को कोई जरूरत नहीं शील्ड का बदला लेने के, मैं साइड पे रहूँगा भाई, रोमन का भाई है बदला लेने के लिए सेथ रॉलिंस से, रोमन का भाई खुद ही दे लेगा, अगर रोमन का भाई टिक पाया तो, पर नहीं टिक पाया, रॉक एलिमिनेट हो गया भाई, अब मुझे भूल ही गया मैंने कितनी एलिमिनेशन करी है, अगर कोई देख रहा है तो एलिमिनेशन काउंट कर लेना यार, मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना कितनी एलिमिनेशन करी है मैंने। जॉन सीना आ रहे भाई साहब, क्या आ रहे हैं बंदे, बैक टू बैक तगड़े बंदे आ रहे, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा इस रॉयल रंबल को, भाई मत करो ऐसा जॉन सीना भाई, मत करो ऐसे काम मत करो यार, मेरे को सर्वाइव करना है, जीतना है मेरे को चैलेंज। अभी तक तो सो फार चैलेंज बहुत बढ़िया चल रहा है, 21 प्लेयर आ चुके हैं, 21 सुपरस्टार आ चुके हैं, 9 रह गए और 3 अभी रिंग में हैं, और इन तीनों में से मुझे ही रिंग में स्टैंड करना है, अब मुझे कैसे करना है वो मुझे देखना है। मेरे पास दो दो फिनिशर आ चुके हैं, मैं सोच रहा हूँ जॉन सीना अंकल को निकाल दूँ टाइम पे, और जिम द एनवल नेड हार्ट आ चुके हैं और जॉन सीना एलिमिनेट हो चुके हैं, जो भी काउंट कर रहा है मुझे नीचे बता देना मैंने कितनी एलिमिनेशंस करी हैं, मेरे को भूल गया मैंने कितनी एलिमिनेशन करी, 7-8 के बाद मैंने काउंट ही नहीं करा, और नेट हार्ट भी चले गए, फिनिशर होने का यही फायदा है। तो अभी बस सेथ फ्रैंकलिन रॉलिंस को निकालना है और बाकी जो बचे हैं पीछे 8 सुपरस्टार उनको भी निकालना है, एक एक करके बड़े सुपरस्टार हैं भाई निकालने वाले। तो भाई पहले तो सेथ फ्रैंकलिन रॉलिंस को निकाल देते हैं, वी आर गोइंग टू एलिमिनेट द सेथ फ्रैंकलिन रॉलिंस। तो भाई सेथ भाई जिमी उसो को इतना सीरियस नहीं लेता मैं जिमी उसो को, जे उसो भी अभी कहीं ना कहीं से निकल के आ जाएंगे देख लेना, तो अभी जिमी उसो के साथ थोड़ा टाइम लड़ना पड़ेगा आपको, जिमी उसो अभी फ्रेश है इतनी जल्दी मुझे पता नहीं जाने वाला, मुझे आयरिश विप से भी बचना है भाई, कुछ सुपरस्टार डायरेक्टली एलिमिनेट हुए तो मुझे वो नहीं होना, जैसे आयरिश विप करके कुछ लोग नहीं रुकते सीधा रोप के बाहर जा करते हैं, वो मेरे साथ हो सकता है क्योंकि मैं पहले नंबर पे आया और मैंने मार भी खाई है थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं खाई पर काफ़ी खाई है, इतनी भी खाई है, मुझे बचना है बस जैसे जैसे करके। और अभी हमारे पास आने वाला 23rd आई गेस 24
Brock Lesnar buys up 24th में Brock Lesnar और already mad almost elimination होने की कगार पे, पर मैं एलिमिनेट होना नहीं चाहता। तो भाई शुक्र है कि Brock Lesnar आते ही जीमी उज़ा के साथ लड़ने के लिए गए हैं, ना कि मेरे साथ। अगर मेरे साथ जाते तो भाई मैं तो ठीक है, अभी बचा हूँ, जितनी देर बचा हूँ बचा ही रहना चाहिए। Brock Lesnar मे भी जल्दी एलिमिनेट हो जाए, मे भी ना जल्दी एलिमिनेट हो, ये है भी कम्युनिटी क्रिएशन वाले। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन मैंने करी है, ये बियर्ड और ये जो सर पे बाल है ये मैंने लगाए हैं। मैंने एक मॉड इंस्टॉल किया था जिसपे आप किसी भी रेसलर का हेयर स्टाइल वगैरह लगा सकते हैं, जो गंजे हैं या जिनकी दाढ़ी नहीं है, जिनकी ऑलरेडी है उन पे लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, वो अटपटा सा लगता है। तो फ्रूट आ गए, मैं कोशिश करूँगा फ्रूट को एलिमिनेट करने की। तो फ्रूट को हम जल्दी कर देते हैं इससे पहले JBL आ जाए और फ्रूट अंकल एलिमिनेट हो जाए। हाँ फ्रूट अंकल एलिमिनेट हो गए, जो भी काउंट कर रहा है मेरी एलिमिनेशन नीचे लिख के बता देना कि तुमने इतने एलिमिनेशन दिए हैं। अभी भाई Brock Lesnar जिमी उसो को मैं यार हेल्प करूँगा, यार मैं हेल्प करता हूँ यहाँ पे एलिमिनेट करने की, मे भी हो जाए। और जितने वो फाइट कर रहा है मुझे लगता नहीं वो एलिमिनेट होगा, वो एस्केप कर जाएगा और उसने कर भी लिया है भाई, एस्केप कर भी दिया। और भाई 2003 2004 वाला रॉक आ चुका है भाई, इसका क्या काम है यहाँ पे। भैया तुम अभी तो होके गए थे बाल कटवा के आ गए, यार तुम बाल कटवा के आ जाओगे ऐसे कैसे चलेगा, तेरे को बाहर निकालता हूँ अभी। ये दो दो बार थोड़ा चलेगा यार, ये क्या सीन है, ये कैसा सीन है भाई, चल मेरे भाई तू तो निकल। और Brock Lesnar ने पकड़ लिया है मुझे और मुझे Brock Lesnar से बचना है जैसे तैसे करके, आई हैव टू एलिमिनेट Brock। तो भाई तुम ये भी तू भी कुत्ते वाला था बैडिग्री, जिमी साइड पे रहे मुझे बस एलिमिनेट करने दे इसको। नामदार है ये, क्या कर रहा है ये भाई, WWE का और ही लगता है मुझे। अब देखना इसकी शक्ल आएगा ना अभी, थोड़ी सी आपको देखेगी शक्ल, ये मेरे को ऐसा लगता है ये ओरी आ गया इसमें, जो ओरी है ना आपको पता ही है ओरी कौन है, तो वैसा लगता है मुझे नामदार। चल तू भाई निकल घर को, अब इसके बाद मेरा टारगेट है Brock Lesnar को एलिमिनेट करना, क्योंकि Brock Lesnar टिक गए हैं काफ़ी देर से और मुझे डर है कि मुझे ना कोई एलिमिनेट कर दे। बस अभी कितने सुपरस्टार रह गए, आई थिंक 5 सुपरस्टार रह गए, तो मुझे 5 सुपरस्टार और सर्वाइव करने हैं, बस गिनती के 5 सुपरस्टार और सर्वाइव करने हैं और हम जीत जाएंगे इस मैच को। वेस्ली NXT का वेस्ली, ये वैसे बंदा तगड़ा है, मैंने NXT में जितना भी इस बंदे को देखा है खेलते हुए, ये बंदा अच्छा है खेलने में, मैंने काफ़ी इसको देखा है। अरे तेरी भैंस की, मुझे एलिमिनेट करने दे यार Brock Lesnar को, क्या यार ये टिचकू बंदा है। अरे यार क्या मेरे सारे वो हिल गए, इट इज़ वेरी गुड मोमेंट टू एलिमिनेट Brock Lesnar, पर उसने करने ही नहीं दिया और ऊपर से मेरा कॉर्नर पे जा लगा है। और 27th आने वाला है शायद, 27th और 26th आने वाला है सुपरस्टार, आई गेस 27th 29th वो भी एलिट Cody Rhodes। तो एक रिंग में अरे एलिमिनेट हो गया भाई साहब, अरे मैंने कहा था कि मुझे नहीं करना वो, अरे यार मैं एलिमिनेट हो चुका, पर टेक्निकली Cody Rhodes अभी भी मैच में है। तो भाई अगर ये Cody Rhodes जीता तो काइंड ऑफ शायद मैं चैलेंज जीत जाऊँ, मैं यार Cody Rhodes लेने वाला हूँ ये वाला, हालांकि मैं एलिमिनेट हो चुका हूँ पर स्टिल आई एम द Cody Rhodes, आई एम द स्टिल Cody Rhodes। अगर मैं जीत गया तो आई काइंड ऑफ विन आई काइंड ऑफ लूज वाली सिचुएशन हो जाएगी, पर रोज के लिए जीतना पड़ेगा। 30th सुपरस्टार आना है और वो 30th सुपरस्टार कौन है, मुझे Brock Lesnar एलिमिनेट करना है, इस हरामजादे ने मेरे को एलिमिनेट करा है। CM Punk आए भाई फाइनली, Brock Lesnar यार पहले एलिमिनेट हो जाता मेरे को एलिमिनेट क्यों किया था, तो फिर भी मेरे पास स्टिल Cody Rhodes है, स्टिल Cody Rhodes है, सो आई हैव होप्स। पता नहीं मेरी ऑडियंस इस चीज़ को मानेगी या नहीं मानेगी, बट आई हैव Cody Rhodes, सो पता नहीं यार क्या होने वाला है, बस मुझे अब जीतना है इस मैच को। हालांकि मैं एलिमिनेट हो चुका हूँ एज अ Cody Rhodes, बट आई स्टिल हैव Cody Rhodes। मैं मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सिचुएशन हो रही है मेरे साथ। और भाई अरे यार ये क्या क्या सीन हो गया, वैसे ही एलिमिनेट हो चुके डाउन टू 3। अब जिमी उसो एंड CM Punk का एलिमिनेट करना है, तो जिमी उसो को तो अभी कर देते हैं, ज़्यादा इसको टिकाने का ज़रूरत है नहीं। अरे यार ये बंदा एलिमिनेट होने का नाम ही नहीं ले रहा, और तू क्या क्या चाहता है मेरे से CM Punk, तो अभी समर स्लैम में हार के आया, तो फिर से मेरे साथ लड़ना चाहता है क्यों, वाई डू यू वॉन्ट टू फाइट विद मी ब्रो, फाइट विद सम अदर गाइस। यार मेरे साथ तो बुरा भी हो गया अच्छा भी हो गया, पर वो Cody Rhodes था, ये भी Cody Rhodes ही है, वैसे तो ऐसा नहीं है कि ये Cody Rhodes नहीं है, दिस इज़ ऑल्सो Cody Rhodes। अब मुझे जिमी एंड CM Punk को निकालना है यहाँ से,
जैसे तैसे करके। तो अभी ये तो जा चुका है ओनली डाउन टू सीएम पंत, एंड आप फिर इसके बाद मुझे बताना कि मैं चैलेंज जीता हूँ कि मैं चैलेंज हार गया हूँ। वैसे तो सीएम देखते हैं कोडी रोड जीतता है कि नहीं, विल सी, मुझे लगता है जीत जाऊँगा। और इसी के साथ कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीत चुकी है। आप मुझे बताओ कि ये मैं चैलेंज जीता हूँ या हार गया हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सेंड योर नेक्स्ट चैलेंज टू द कमेंट। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट, पीस आउट।